नमस्कार मैं हूं पवन ठाकुर आप देख रहे हैं चैनल करंट न्यूज जॉब्स जैसा कि वीडियो के थंबनेल में आपने देख लिया है इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं आज की उन सभी बड़ी भर्तियों के बारे में जिसके लिए सरकारी और गैर सरकारी विभागों में रिक्त पड़े पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में दिया गया है आप इस दिए गए बटन पर क्लिक करके पिछली वीडियो को देख के पड़े पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं चैनल पे अगर आप नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इस तरह का लाल सब्सक्राइब बटन नीचे दिया गया है आप दिए गए बटन पे क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए ताकि इस चैनल पे दैनिक अपलोड होने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो ज्यादा देर न करते हुए चलिए देखते हैं वीडियो और मिलते हैं वीडियो के बाद विभाग का नाम है संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली पदों का विवरण है सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा 2023 हेतु पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं पदों की कुल संख्या है 341 इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता आई एम और ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी हेतु उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या उसके समकक्ष शैक्षणिक योग्यता को रखता हो भारतीय नौसेना एकेडमी हेतु उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इंजीनियरिंग के क्षेत्र में स्नातक की डिग्री को रखता हो और भारतीय वायुसेना एकेडमी हेतु उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से स्नातक पास भौतिकी और गणित विषयों के साथ में प्लस टू लेवल पे उम्मीदवार होना चाहिए या फिर उम्मीदवार स्नातक की डिग्री इंजीनियरिंग के क्षेत्र में रखते हैं वो उम्मीदवार भी इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं शैक्षणिक योग्यता संबंधी अधिक जानकारी हेतु उम्मीदवार विज्ञापन का अवलोकन कर सकते हैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है ये पद सीधी भर्ती के तहत भरे जाएंगे पदों के लिए आयु सीमा उम्मीदवार ने न्यूनतम बीस वर्ष की आयु को पूर्ण कर लिया हो और अधिकतम चौबीस वर्ष आयु इन पदों हेतु निर्धारित की गई है अर्थात उम्मीदवार का जन्म दो जनवरी 2000 से पहले का और एक जनवरी 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए आरक्षित वर्ग से संबंध रखने वाले उम्मीदवार जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति विकलांग बुतौर सैनिक वर्ग से संबंध रखते हैं उन उम्मीदवारों को आयु सीमा में नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी इन पदों के लिए आवेदन शुल्क महिला उम्मीदवार अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा और अन्य सभी उम्मीदवारों को दो सौ रुपए आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है इन पदों के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवार पात्र होंगे ये पद ऑनलाइन माध्यम से भरे जाएंगे पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभ तिथि 22 दिसंबर 2022 निर्धारित की गई है और आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 जनवरी 2023 रहेगी इन पदों के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाना है उस तिथि को उम्मीदवार को बाद में सूचित किया जाएगा पदों के लिए उम्मीदवार को पद के अनुसार अच्छा मासिक वेतनमान दिया जाएगा विज्ञापन के संबंध में संपूर्ण जानकारी हेतु उम्मीदवार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन कर इस विज्ञापन के बारे में संपूर्ण जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस विज्ञापन की पीडीएफ फाइल का लिंक दे दिया गया है विभाग का नाम है हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड पदों का विवरण है असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती 2022 के तहत पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं पदों का जो विवरण और कुल संख्या रहेगी असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के अठासी पद असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल के इकतालीस पद और असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के चौदह पद आरक्षित हैं पदों के लिए शैक्षण की योग्यता को पद के अनुसार निर्धारित किया गया है असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल पदों हेतु उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बी टेक एम टेक इलेक्ट्रिकल के क्षेत्र में होना चाहिए और उम्मीदवार ने 2022 गेट को पास किया होना चाहिए असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल पद हेतु उम्मीदवार बी टेक एम टेक के क्षेत्र में होना चाहिए और उम्मीदवार ने गेट 2022 की परीक्षा को पास किया होना चाहिए असिस्टेंट इंजीनियर सिविल पद हेतु उम्मीदवार बीटेक, एमटेक सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में होना चाहिए और उम्मीदवार में गेट 2022 में आयोजित परीक्षा को पास किया हुआ होना चाहिए ये पद सीधी भर्ती के तहत भरे जाएंगे पदों के लिए आयु सीमा उम्मीदवार ने न्यूनतम 20 वर्ष की आयु को पूर्ण कर लिया हो और अधिकतम आयु को इन पदों हेतु बयालीस वर्ष निर्धारित किया गया है आरक्षित वर्ग से संबंध रखने वाले उम्मीदवार जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति विकलांग भूतपूर्व सैनिक वर्ग और महिला उम्मीदवारों को आयु सीमा में नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी इन पदों के लिए आवेदन शुल्क सामान्य भूतपूर्व सैनिक वर्ग से संबंध रखने वाले उम्मीदवारों के आश्रितों हेतु पांच सौ रुपए आवेदन शुल्क को निर्धारित किया गया है महिला उम्मीदवार पुरुष उम्मीदवार अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवार और भूतपूर्व सैनिकों को एक सौ रुपए आवेदन शुल्क देना होगा विकलांग और दृष्टिबाधित उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा इन पदों हेतु पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं आवेदन उम्मीदवार को केवल ऑनलाइन करना होगा इन पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन 23 दिसंबर 2022 से प्रारंभ होंगे और आवेदन करने की अंतिम तिथि 23 जनवरी 2023 निर्धारित की गई है इन पदों हेतु जो लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाना है उस तिथि को उम्मीदवार को बाद में सूचित किया जाएगा पदों के लिए उम्मीदवार को पद के अनुसार अच्छा मासिक वेतनमान दिया जाएगा विज्ञापन के संबंध में संपूर्ण जानकारी हेतु उम्मीदवार हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन कर इस विज्ञापन के बारे में संपूर्ण जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस विज्ञापन की पीडीएफ फाइल का लिंक दे दिया गया है फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना शेयर करना और वीडियो के बारे में कमेंट करना नीचे कमेंट बॉक्स किया गया है आप उसमें अपने कमेंट टाइप कर सकते हैं चैनल के संदर्भ में और दिखाई गई वीडियो के बारे में अगर आप लोगों की कोई भी आशंका या सुझाव है तो आप अपने बहुमूल्य सुझाव हमें इस फेसबुक आईडी के माध्यम से भेज सकते हैं आपके जो भी सुझाव हमारे पास आएंगे हम उन्हें अपने चैनल में अमल में लाएंगे उम्मीद करता हूं कल आपसे फिर इसी चैनल पे और इसी में रूबरू होने का मौका मिलेगा तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए धन्यवाद